हेलो गाइस, सीएसएस पीएमएस गुरु में आप सबको खुश आमदीद। हम क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और इस सिलसिले में आज हमारा दूसरा लेक्चर है और आज हम इसके तीसरे फॉलोवर जो हैं F.W. टेलर, उसके बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। और उनका जो एक्सपेरिमेंट था, उनका जो थ्योरी था, शवलिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। और ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज का। इसको आप समझने की कोशिश कर लें, इसकी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर व बेशतर शवलिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में एग्ज़ाम में आता है। तो इसके कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश कर लें, इसको समझने की कोशिश कर लें कि शवलिंग एक्सपेरिमेंट क्या था और इसमें किस चीज़ को देखा गया था और इसका फिर एंड रिज़ल्ट क्या निकला था। तो आइए इसको देखते हैं। पहले F.W. टेलर के बारे में पढ़ते हैं। F.W. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होती है उसके फादर जाना जाता है। ये आपके पास एक MCQs इधर आ गया कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो आप कह सकते हैं कि F.W. टेलर, कि उन्होंने एक वो शेवलिंग एक्सपेरिमेंट जो था उसमें उन्होंने एक साइंटिफिक मैनेजमेंट को उन्होंने सामने लाया था और उसमें उन्हें एफिशिएंसी के बारे में उन्होंने बात की थी। उन्होंने टेक्निकल वो चीज़ों के बारे में उन्होंने एक टेक्निकल तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को हल करने की कोशिश की थी, जिस तरह हमने स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में पढ़ा था, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का जो मेन मोटिव है। तो उसके ही वर्कड एज अ मशीन ऑपरेटर इन मेडवेल स्टील कंपनी इन USA। मेडवेल स्टील कंपनी USA में वो एक मशीन ऑपरेटर था और ही ऑब्जर्व दैट द वर्कर यूजिंग शॉवल्स फॉर अनलोडिंग कोल एंड आयरन ओर। वट ही ऑब्जर्व वॉज दैट वेन वर्कर शॉवल राइस कोल दे कैन लिफ्ट 3.71 lbs एंड वेन दे शॉवल्स आयरन ओर दे लिफ्ट 38 lbs। तो उन्होंने जब वो काम कर रहा था तो उन्होंने देखा कि एक जगह अनलोडिंग हो रही थी आयरन ओर की और कोल जो थे उनकी अनलोडिंग हो रही थी, और जो कोल थी वो जब एक बेलचे में डाल के, एक शॉवल में डाल के जब वो निकालते थे, अनलोड करते थे तो उनका एक शॉवल में जो उनकी वज़न थी वो LBS 3.75 थी। और जो आयरन ओर थी वो आपको पता है, आयरन का आपको पता है वो हैवी होता है, वो एक बेलचे में 38 lbs थी। तो वो ये सामने खड़े होकर देख रहा था तो उसके जहन में एक बात आ गई कि व्हाट इज़ द रियल द राइट लोड, इन दोनों में 3.75 में और 38 lbs में कौन सा जो है वो सही लोड है। फॉर दिस पर्पज़ ही कंडक्ट एक्सपेरिमेंट पॉपुलरली नोन एज शवलिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसी चीज़ को वो जानने के लिए, वो सही लोड कौन सा है और राइट लोड कौन सा है, इसको जानने के लिए उन्होंने एक शवलिंग एक्सपेरिमेंट की थी। उसको हिस्ट्री में शवलिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये बैकग्राउंड थी। आप अगर आप F.W. टेलर के बारे में कोई क्वेश्चन आता है या शवलिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप बैकग्राउंड में ये चीज़ें लिखें, इससे आपके क्वेश्चन को एक अच्छी इंप्रेशन पड़ेगी और आपके मार्क्स हाई आने में आपकी मदद मिलेगी। तो शवलिंग एक्सपेरिमेंट देखते हैं, शवलिंग एक्सपेरिमेंट क्या थी, उन्होंने क्या काम किया था। उन्होंने सबसे पहले दो बेस्ट शवलर्स लिए थे, मतलब दो बेस्ट वर्कर लिए थे कि जो सही तरीके से शवल देते हों, जो सही तरीके से जो बेलचा होता है ना वो इस्तेमाल करते जानते हों। तो ये दो बेस्ट शवलर्स उन्होंने लिए थे। उन दो बेस्ट शवलर्स को उन्होंने कहा था कि हम आपको डबल वेजेस देंगे और उनको जो कुछ कहा जाता है वो सही तरीके से करें। अगर वो सही तरीके से जो कुछ उनको कहा जाता है वो सही तरीके से अगर करेंगे तो उनको डबल वेजेस दिया जाएगा। उस बात पे जो दो शॉवलर्स थे उन्होंने हामी भरी थी, उन्होंने कहा ठीक है। फिर दो जो द टू सेलेक्टेड मैन शॉवल्ड द होल डे इन टू डिफरेंट प्लेसेस एंड दे वर टाइट बट नॉट ओवर टाइट। तो उन दोनों शॉवलर्स को अलग अलग जगह उनको रखा गया और उनके ऊपर सुपरविजन के लिए भी बंदे रखे गए, उनको देखा गया और उनको फिर दोनों को एक पूरा दिन उन पे उनको काम पे लगाया गया और उनको यहाँ तक काम पे लगाया गया कि वो टायर्ड हो गए लेकिन इतना ओवर टाइट नहीं हुए, ठीक है, मतलब जितना
काम करके बंदा टायर्ड होता है उतना ही हुआ, उनसे ज़्यादा नहीं हुआ। और उसके बाद उन्होंने किया क्या किया कि दे वर्कड अंडर सुपरविजन ऑफ टू, और उनके ऊपर दो सुपरवाइज़र रखे गए। उन सुपरवाइज़र के अंडर सुपरविजन वो दोनों काम करते रहे। वो सुपरवाइज़र जो थे वो उनको देख रहे थे, वो उनको काम करने की बार बार तलकिन किया करते थे, उनको फिर मतलब काम चोरी करने नहीं दिया जाते थे, तो वो उनके ऊपर काम किया देख रहे थे। और उनके जो इन्वायरमेंट थे उनको चेंज किया जा रहा था। कभी जो एक लाइट थी लाइट को धीमा धीमी किया जाता था, कभी ज़्यादा किया जाता था, कभी कम किया जाता था, और कभी जो शोवल्स के हैंडल्स थे उनको बड़ा करके उनको दिया जाता था, तो कभी उनको शोवल्स के जो हैंडल्स थे उनको छोटा करके उनको दिया जाता था। मतलब मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट उनके ऊपर की जाती थी, ठीक है गाइस। और ये सारा कुछ अंडर सुपरविजन उनको किया जाता था। और जो दो शोवलर्स थे वो बेस्ट थे अपने काम में, वो बेस्ट थे अपने जितने भी उनके वर्कर्स थे उन सब में दो बेस्ट वर्कर्स को उन्होंने चुना था, और उनको डबल वेज दिया गया था, और उनको बताया था कि आप ये काम जो है आपको बताया जाता है वो आप सिंसियरली करेंगे। और उनको उनसे काम निकलवाने के लिए उनके ऊपर सुपरवाइज़र रखा गया था, और उनको दो अलग इन्वायरमेंट में रखी गई थी। तो आगे फिर सुपरवाइज़र ने क्या नोट किया, सुपरवाइज़र ने नोट किया कि इफ़ डिफरेंट काइंड ऑफ शोवल्स वर यूज टू शोवलर कैन लिफ्ट लोड बिटवीन 21.5 LBS टू 38 LBS। तो उन्होंने कहा था कि जो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ बंदों को रखे, उनको मुख्तलिफ तरीके से शोवल्स, कभी हैंडल छोटा, कभी हैंडल बड़ा, कभी लाइट तेज़ करके, कभी लाइट धीमी करके, तो मुख्तलिफ कंडीशन में उनको जब ये चीज़ें मुहैया की गई, तो उन्होंने 21.5 LBS से 38 LBS के दरमियान उन्होंने लोड लिफ्ट किया, ठीक है। तो अभी लोड उनके पास क्या आ गई कि 21 से लेके 38 LBS के दरमियान वो लिफ्ट लोड आ गई। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये इसके बीच आता है। तो दिस वाज पॉसिबल इफ़ द वर्कर वाज वेल ट्रेंड एंड वर्क कंसिस्टेंटली। तो सुपरवाइज़र ने नोट किया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त मुकम्मल मुमकिन हुआ जब ये दोनों वर्कर जो थे वो कंसिस्टेंट थे अपने काम में, और वो बेस्ट थे अपने काम में, ठीक है, और वो वेल ट्रेंड थे, और वो वेल ट्रेंड थे, और वो अपने काम में बेस्ट थे, और उन्होंने कंसिस्टेंटली अपना काम जब किया, तो उन्होंने क्या किया, मुख्तलिफ जब शॉवल्स उनको दी गई तो उन्हीं के थ्रू उन्होंने 21.5 LBS से लेकर 38 LBS तक उन्होंने वज़न उठाए, उन्होंने वज़न लिफ्ट किए। तो इसका फिर रिज़ल्ट क्या आया और क्या देखना चाह रहा था, फिर उसको क्या एंड रिज़ल्ट क्या मिला FW टेलर को, वो देखने की कोशिश करते हैं। वन बेस्ट वे उन्होंने क्या कहा, पहला पॉइंट जब उसको इस एक्सपेरिमेंट से मिला, एंड रिज़ल्ट जो मिली वो क्या था, वन बेस्ट वे का क्या था, उन्होंने क्या कहा था कि देयर इज़ साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग थिंग इज़ कॉल्ड वन बेस्ट वे। हर काम को करने का एक साइंटिफिक वे होता है, उसे वन बेस्ट वे कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने ये बात सामने लाई कि हम जो भी काम करते हैं उसको एवी तरीके से स्टार्ट करते हैं, एवी तरीके से उसको ख़त्म करते हैं, लेकिन उसकी जगह हमें एक अच्छी चीज़ सामने आई जिसे हम फर्स्ट बेस्ट वे कह सकते हैं, कि कोई भी काम हम साइंटिफिक तरीके से कर सकते हैं। जिस तरह हमारा ये एक ट्यूटोरियल सीरीज़ है, हम जो वोकेबलरी के ट्यूटोरियल सीरीज़ हम कर रहे हैं जिसमें हम ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में पढ़ रहे हैं वोकेबलरीज़ को याद करने का, तो वो एक साइंटिफिक वे है चीज़ों के याद करने का, चीज़ों को करने का। तो उसको उन्होंने क्या काम नाम दिया था, उसको उन्होंने कहा था कि दिस इज़ कॉल्ड वन बेस्ट वे। तो इस रिज़ल्ट से जो पहली बात सामने आई थी वो वन बेस्ट वे के बारे में सामने आई थी। दूसरा उन्होंने कहा था कि रूल ऑफ थम, उन्होंने कहा था कि रूल ऑफ थम को उन्होंने साइंस से चेंज किया था। रूल ऑफ थम जो कहते हैं ना, वैसे ही एक तुक्का लग गया, जो तुक्के का जो सिस्टम था उन्होंने तुक्के के सिस्टम को उन्होंने साइंस से चेंज किया था। जो भी काम करते हैं, काम करते बाद एक तुक्का लग जाता है, तो कभी काम अच्छा होता है तो कभी काम बुरा होता है, तो उस तुक्का का जो सिस्टम था उन्होंने वो ख़त्म करके उसकी जगह उन्होंने वन बेस्ट वे लाया था। उन्होंने कहा था तुक्का जो रूल ऑफ थंब है वो उसकी जगह साइंस को लेना चाहिए, साइंटिफिक वे को लेना चाहिए, उसे वर्स्ट वन बेस्ट वे कहा जाता है। जो थर्ड उन्होंने कहा था कि मैक्सिमम आउटपुट, वर्किंग फॉर मैक्सिमम आउटपुट रादर दैट इज रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट।
ठीक है, उन्होंने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लिया जा सकता है, आउटपुट प्रोडक्टिविटी ली जा सकती है, प्रोडक्शन ली जा सकती है, ना कि उसको एक आउटपुट पर रिस्ट्रिक्ट करने पे। आप ये नहीं कह सकते कि यार अभी आप 30 लोड जो है वो अनलोड कर लो, और या आप एक शॉवल में तकरीबन 25 LBS अनलोड कर लो। नहीं, आप उसको मैक्सिमम कर सकते हो। आप उसको मैक्सिमम किस तरह कर सकते हो, आउटपुट को मैक्सिमम किस तरह कर सकते हो, आप उनके ऊपर सुपरवाइज रखें, आप वेल ट्रेंड लोगों को मतलब काम दिलवा के आप उनको सही तरीके से इक्विपमेंट उनको प्रोवाइड करके उनसे फिर आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो। ठीक है, जिस तरह उन्होंने मुख्तलिफ सुपरवाइज करवाया था, उनके मुख्तलिफ कंडीशन से उनको काम करवाया था और उनको फिर आगे मोटिवेट करने की कोशिश की थी, तो इस तरीके से उन्होंने कहा था कि आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, डेवलपिंग ऑल वर्कर्स टू द फुलेस्ट एक्सटेंट फॉर देयर ओन एंड कंपनीज प्रॉस्पेरिटी। और इसमें जो उन्होंने बात की थी कि आपने वर्कर्स की डेवलपमेंट करनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग देनी चाहिए, वो ना सिर्फ वर्कर की अपनी भलाई के लिए अच्छा है, बल्कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी के लिए भी एक अच्छा काम है। ठीक है, उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि जो शॉवलिंग एक एक्सपेरिमेंट हुई थी, उन्होंने जो सुपरवाइज़र ने जो नोट किया था, उन्होंने कहा था कि जो इस तरह इतना जो बेलचे से जो वज़न उठा रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त मुमकिन हुई जब जो शॉवलर्स जो थे वो एक सस्टेंड कंसिस्टेंसी से उन्होंने काम किया था, दूसरा वो वेल ट्रेंड थे, और तीसरा अपने जो उनका जो काम था उसमें वो काफ़ी माहिर थे। तो यही बात सामने ला के जो उनको एक एक्सपेरिमेंट से जो रिज़ल्ट सामने आई थी, वो सामने यही आई थी कि वर्कर्स को डेवलपमेंट करने चाहिए, उनको डेवलप करने चाहिए, उनको ट्रेन करना चाहिए ताकि अपने काम में वो माहिर बन जाए। और फिर बाद में उन्होंने जो एक दूसरा था सिलेक्शन ऑफ वर्कर, उन्होंने कहा था कि वर्कर शुड बी केयरफुली सिलेक्टेड। जिस तरह शॉवलिंग एक्सपीरियंस में उन्होंने दो जो ट्रेंड वर्कर थे उनको जो लिया था, उन्होंने जो देख के सही वर्कर उन्होंने लिया था, उन्हीं सही वर्करों की बदौलत उनका जो काम था, रिज़ल्ट था, वो पॉजिटिव आया था। इसी से बात से सामने क्या चीज़ आई, उसे ये बात सामने आई कि वर्कर्स जो है उनकी सिलेक्शन सही तरीके से होनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो उन्होंने ये पांच मेन चीज़ें सामने आई थी जो शॉवलिंग एक्सपीरियंस से, वो शॉवलिंग एक्सपीरियंस ये सामने आई थी कि एक आपके पास वन बेस्ट वे का एक तरीका सामने आया है, रूल ऑफ थंब जो है उसको ख़त्म किया जा सकता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन ली जा सकती है, आउटपुट ली जा सकती है, और उस जो आपके वर्कर्स होते हैं उनको डेवलप करने चाहिए, और जो वर्कर्स होते हैं उनको केयरफुली सेलेक्ट करने चाहिए। तो गाइस, ये हमारा आज का शॉवलिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, और ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, आप इसको फिर बार बार देखें, इसको समझने की कोशिश कर लें। और फिर भी अगर इसमें आपको कोई एम्बिग्विटी फील होता है तो हमें लिखें, हमें ईमेल करें, या हमें कमेंट कर लें, हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।